हाय फ्रेंड्स, ये हमारा दो दिन का ट्रिप था। फर्स्ट डे खरदुंगला पास एंड न्यूब्रा वैली। न्यूब्रा वैली में हमने नाइट स्टे किया और उसके बाद हम गए पेंगोंग लेक। तीन फैमिलीज हम एक साथ गए थे इस ट्रिप पे। हमने एक टैक्सी हायर की हुई थी और फिलहाल हम लोग खरदुंगला पास से निकल चुके हैं न्यूब्रा वैली के लिए। खरदुंगला पास का ट्रैवल ब्लॉग आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा देखने के लिए। इसके बाद की हमारी पूरी जर्नी डाउन साइड में थी, क्योंकि खरदुंगला पास हाईएस्ट पॉइंट है, तो पूरी जर्नी डाउन थी। थोड़ी फास्ट थी लेकिन बहुत एडवेंचरस थी। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो एक बार लेह लद्दाख की ट्रिप आप ज़रूर कीजिए। न्यूब्रा वैली एक डेजर्ट एरिया है जिसको कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं, तो वहाँ पे कैमल राइड और बाइक राइड, ये दो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा की जाती हैं। तो सबसे पहले गए हम बाइक राइड करने के लिए, ATV बाइक राइड, जो कि इंडिया की हाईएस्ट बाइक राइड है। तो हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हमने किसी ने भी ये एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं लिया था। तो हमने सबसे पहले अपना किया बाइक राइड, डेजर्ट बाइक राइड। बाइक राइड के चार्जेस हैं 500 रुपीज़ पर पर्सन। तो एक बाइक पे दो लोग अलाउ करते हैं, तो हम तीनों फैमिलीज़ ने 1000 रुपीज़ में तीनों ने अलग अलग बाइक्स ली थी। साथ में एक ट्रेनर कंपलसरी है, बच्चा अलाउड है, आप अपनी रिस्क पे ले जा सकते हैं बच्चे को। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर्स की हमको राइड देते हैं और 15 to 20 मिनट हार्डली लगता है। बीच में आराम से रोकते हैं आप फोटोज़ एंड वीडियोज़ एंड ऑल, खूब मस्ती। इन शॉर्ट ये बहुत इन्जॉयबल था। मैंने इसको अकेले चलाने की कोशिश करी, बट जितना मुझे लग रहा था कि ये इजी होगा, इट वाज नॉट एट ऑल इजी। मुझसे टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छे से नहीं चला। मैंने थोड़ा सा चलाया और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो पा रहा था। किलोमीटर्स राइड, फाइनली राइड फिनिश हो चुकी है, ऑलमोस्ट एंडिंग पर है। अनिका ने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया, शी डोंट वॉन्ट टू स्टेप डाउन आफ्टर फिनिशिंग द राइड। एंड फॉर मी दिस वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई विल नेवर एवर फॉरगेट इट। और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कभी चांस मिलता है इस राइड का, मस्ट ट्राई इट। आई वॉज वरीड कि छोटा बच्चे के साथ इतना सब कुछ कैसे मैनेज होगा, ये राइड या फिर इतना लंबी जर्नी, बट एवरीथिंग वॉज गुड। अनिका ने भी अच्छे से कोऑपरेट किया और ये सब कुछ काफ़ी सेफ है, मतलब ये बाइक राइड एंड ऑल, एवरीथिंग इज सेफ फॉर किड्स। आफ्टर बाइक राइड वी मूव अहेड टू न्यूब्रा वैली, जहाँ हमको करनी थी कैमल राइड। ओह माय गॉड, डबल हम्ड कैमल राइड। ऑन द वे एक छोटा सा वाटरफॉल था जहाँ हमने ब्रेक लिया, थोड़ा हमको रिफ्रेशमेंट मिला, थोड़े फोटोज एंड वीडियोग्राफी, थोड़ा सा चिल मारा और फिर हम निकल गए आज के अपने लास्ट डेस्टिनेशन न्यूब्रा वैली की तरफ। Here is
द न्यूब्रा वैली विद लॉर्ड्स ऑफ कैमल्स। अच्छा, यहाँ चार्जेस है कैमल का 300 रुपीज़ पर पर्सन फॉर 15 मिनट्स राइड, और ये बहुत इंजॉयबल बम्पी राइड है विद डबल हम्प्ड कैमल। यो यो खोल साहब, कहाँ पर हो? यू नो फ्रेंड्स, द ब्यूटी ऑफ न्यूब्रा वैली इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ आपको दूर दूर तक रेत दिखाई देगा। यू कांट इमेजिन कि इतनी हाइट पर माउंटेन्स के बीच में एक डेजर्ट कैसे फॉर्म हो गया, बट इट इज सिंपली ब्यूटिफुल। नाउ आई एम लीविंग यू विद सम मस्ती पिक्स वी हैड देयर। सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग। बाय बाय।